आज की स्टोरी है Airbnb के टर्न अराउंड, कैसे ये कंपनी पैंडेमिक में लिटरली खत्म हो गई थी और कैसे इन्होंने अपने आप को दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया। यार कोविड में ना इनकी 80% बुकिंग्स गिर गई थी और रेवेन्यू ना हाफ रह गया था। बहुत बड़ी चीज होती है जब आपका रेवेन्यू बिलियन डॉलर्स में होता है। तो ऐसे क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले अपना मार्केटिंग बजट $1 billion से स्लैश किया, अपने सारे एग्जीक्यूटिव की सैलरीज को हाफ की। पर जो सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर निकल के आया वो इनके सीईओ ब्रायन चेस्की का कैरेक्टर। उन्होंने नंबर वन फोकस किया सिर्फ कोर बिजनेस पे, पैंडेमिक से पहले जो भी इनिशिएटिव लिए थे उधर उधर के सबको बंद कर कस्टमर इमोशंस को सेंटर पे रखा। एक अनसर्टेनिटी के माहौल में एक पॉलिसी लाए कि आप बुकिंग करवाओ और अगर आपने एक दिन पहले भी कैंसिल किया तो 100% रिफंड देंगे आप। यही नहीं, पैंडेमिक की जिन इम्प्लॉयज को ले ऑफ किया था उनका पूरा ख्याल रखा, बी इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, री एम्प्लॉयमेंट, और उनमें से कुछ को दोबारा से रिहायर भी किया। सिर्फ इम्प्लॉयज नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी के होस्ट जो टोटली एयरबीएनबी पे डिपेंडेंट थे उनका भी ख्याल रखा, उनके लिए फंड क्रिएट किया। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है, अगर इंडिया में कोई ऐसी कंपनी सिमिलर सिचुएशन में होती क्या वो इतने सारे इनिशिएटिव्स ले? डेली एक मिनट में स्मार्ट बनना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा।